सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। आदाब नाजरीन, शहर हैदराबाद। एक लालची और कमज़ोर बाप ने अपनी ही बच्ची को 70,000 रुपये में बेच दिया। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक 25 दिसंबर को राजू नामी एक लालची और कमज़ोर बाप ने अपनी ही कमसिन औलाद को 70,000 रुपये में एक खातून को बेच दिया, जिसके बाद राजू की बीवी बलम्मा ने चादरघाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन करते हुए 66 सीसीटीवी फुटेज की मदद से आज एलबी नगर एनटीआर नगर में आफरीन नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास यह मासूम बच्ची थी और उस मासूम बच्ची को चाइल्ड एंड वेलफेयर वालों को दिया। माँ बाप तो अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के खातिर रात दिन एक कर देते और बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते, लेकिन आज की दुनिया में कुछ ऐसे लालची और कमज़ोर इंसान भी मौजूद है जो अपना शौक़ पूरा करने के लिए अपने ही लगते जिगर को चंद रुपयों में बेच देते हैं। ऐसे बकबख्तों को तो इंसान कहना भी इंसानियत को गाली देना है। पुलिस को चाहिए कि इस बकबख्त पर ऐसी चार्जशीट बनाए और सख्त कार्रवाई करे कि फिर कभी कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे और उसकी रूह कांप जाए। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे जफरुद्दीन की एक खास रिपोर्ट के साथ। क्रिसमस के दिन 9:30 PM को बालम्मा बोल के एक आदमी पिटीशन दे दिए। उनका हस्बैंड राजू नाम है, उन्हें उनका बच्चा को 70,000 को एक आदमी को भेजे बोल के कंप्लेंट दिए। इसके वास्ते सेम डे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में केस रजिस्टर करे। आज एक एनटीआर नगर में एलबी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शेख अफरीन बोल के उनके साथ ये बच्चे को पकड़े के पुलिस स्टेशन के लेके आए। ये चाइल्ड एंड वेलफेयर वालों को हैंड ओवर करे। इसकी एक केस में SI संपत मेरा टीम टोटल 66 कैमरास चेक करे। ये इधर से टोटल 9 किलोमीटर्स पूरा चेक करके ट्रेस करे, एक अच्छा काम करे। प्रिलिमिनरी बोले अभी भी एंक्वायरी चल रहा। ये पर्सन्स कोई अडॉप्ट करने के लिए लेके जाए तो कोई प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर के लिए ये चाइल्ड वेलफेयर वाले को मिलते ये प्रोसीजर बोल के ये अडॉप्ट पूरा प्रोसीजर करके हैंड ओवर कर ले। ये करे तो ये इलीगल में ये भेजे तो केस रजिस्टर होता। ये आप चाइल्ड एंड वेलफेयर वालों को मिले तो आपको अडॉप्ट करने के पूरा कोशिश करते हैं।